Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday video में हमने algebra chapter start किया, उसमें हमने pattern को find करना सीखा है, उसके लिए general rule बनाना सीखा है variable की help से. Okay student, for example हमें n एक एक बनाने के लिए कितनी sticks लेना होगा, ठीक है. टू आई बना रहे हैं तो हमें फोर रजिस्टर्स लेना होगी, ठीक है. दिस इज वन टू थ्री फोर, फोर रजिस्टर्स की हेल्प से हमने टू आई बनाया, ठीक है. सो दैट इज थ्री आई बना रहे हैं तो हमें कितनी रजिस्टर्स लग रही है, सिक्स, ठीक है. दैट मीन्स टू एन, इसका जनरल फॉर्म हमने लिखा यहाँ पे टू एन. यदि हमें 12 में स्टिक बनानी है, 12 एल बनानी है, 12 एल बनानी है तो हमें कितनी मैजिस्टिक लगेगी, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट मीन्स 24 मैजिस्टिक हमें यहाँ पर लेना होगी, तब हम 12 एल बना सकते हैं, ठीक है. इस तरह से मैजिस्टिक हमने एक इस तरह रखी है, एक इस तरह रखी तो हमने एक एल बनाया. अब हमें 2 एल बनाने हैं, 2 एल बनाने हैं तो हमें कितनी मैजिस्टिक लगेगी, 1 2 3 4. इसी तरह हमें 12 एल बनाने तो कितनी मैजेस्टिक लगेगी, 24. कैसे फाइंड किया हमने, इस फॉर्मूले की हेल्प से. यहाँ पर हमने 2n इसको मेजर, इसको कंसीडर करके हमने यहाँ पर लिखा 2n, ठीक है. एक मैजेस्टिक बना, एक एल बनाने के लिए, 1 एल बनाने के लिए हमें 2 मैजेस्टिक लगनी, 2 एल बनाने तो 4 मैजेस्टिक मीन्स 2 ट्वाइस एल बनाने, 2 गुना हो रहा है इसका, ठीक है. तो हम यदि 12 एल बना रहे तो हमें 12 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 24 मैजेस्टिक्स लेना होगी. यदि हम 100 एल बना रहे हैं तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट मीन्स 200 मैजेस्टिक्स हमें यहाँ पर लेना होगा, ठीक है. और नंबर सीक्वेंस को लेकर के हमने कंसिडर करके नेक्स्ट नंबर फाइंड करना भी सीखा था, ठीक है. तो इसमें यहाँ पर जो ये एन यूज किया हमने, ये एन कहलाता है वेरिएबल. देखिए यहाँ पर हम, यहाँ पर 12 लिखा हमने, है ना. अगर हमें 3 एल बनाने तो हम कितनी मैजिस्टिक लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8 की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है. सो n क्या कहलाता है यहाँ पर, वेरिएबल. जितने भी अल्फाबेट हम यूज करेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, वेरिएबल की वैल्यू. जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है. तो वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती. यहाँ पर 2n में से 1 वेरिएबल है, बट 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है ना. नंबर एक, 2 की वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, 2 तो 2 ही रहेगा. देखिए 2 तो 2 ही है, 6 को चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पर हमने 12 लिखा, यहाँ पर हमने 3 लिखा, तो यहाँ पर चेंज ही हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज वेरिएबल, ओके. सो एलजेब्रा के अंदर हम बहुत सारे क्वांटिटीज में लेटर्स को यूज कर सकते हैं, वो लेटर्स क्या कहलाएंगे, वेरिएबल या फिर लिटरल्स नंबर्स कहलाएंगे. क्लियर देख स्टूडेंट, इन एलजेब्रा, एलजेब्रा में लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अननोन और अनस्पेसिफाइड नंबर्स. दिस लेटर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स. जो जो भी हम लेटर्स यूज करेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल को, ओके. सो जो लेटर्स हम यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल, जो कि अननोन और अनस्पेसिफाइड नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था 2n, इसमें n क्या है, वेरिएबल है. यहाँ पर अननोन है, हम यहाँ पर जितने भी नंबर लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें रिजल्ट फाइंड होगा, ठीक है. ये 2 एक कॉन्स्टेंट है और n इज वेरिएबल, इस वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं रहती है. n क्या है, तो n यहाँ पर हमें कितने n बना रहे हैं, n की नंबर से, नंबर ऑफ n से, ठीक है. सो यदि हमें यहाँ पर 38 बनाने हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30. यदि हमें 15 n बनाने हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15. दैट इज वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहती है, ठीक है. ये अननोन रिप्रेजेंट करता है अननोन और अनस्पेसिफाइड नंबर्स को. क्लियर देखिए स्टूडेंट, अभी वेरिएबल्स का क्या यूज है. सो फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री में हम पैरामीटर फाइंड करते हैं, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ओके. सो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, सो पैरामीटर ऑफ, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर
वेरिएबल है, ठीक है। सो पैरामीटर के लिए हमने p वेरिएबल को यूज किया है एंड लेंथ पैरामीटर ऑफ लेंथ सॉरी स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है तो l प्लस l प्लस l प्लस l दैट मींस 1 2 3 4 l सो एडिशन इज 4 l सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 l सो यहां पर l क्या है वेरिएबल है लेंथ के लिए हमने l लिखा है सो यदि यहां पर हम लेंथ की कोई भी साइड कोई भी सेंटीमीटर साइज लिखे तो स्क्वायर करेंगे फॉर सपोज दैट कि यहां पर l इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है यदि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना फाइंड होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर ठीक है सो देखिए यहां पर अब यदि यहां पर लेंथ कितनी 2 सेंटीमीटर यदि 10 सेंटीमीटर हुई तो इसका पैरामीटर चेंज हो जाएगा ठीक है सो दैट इज वेरिएबल का क्या यूज है इसका जनरल रूल बनाने में हम इसको यूज करते हैं क्लियर दैट इन अ ज्योमेट्री पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है सो वी नो दैट कि रेक्टेंगल की टू साइड इक्वल होती है ओके अपोजिट वाली टू साइड इक्वल होती है दैट मींस ये साइड और ये साइड इक्वल होगी और दिस साइड इज इक्वल होगी ठीक है सो पैरामीटर के लिए हमने p वेरिएबल लिखा सो कैरेक्टर क्या हुआ है रेक्टेंगल का यानी लेंथ ओके सो इन चारों साइड का सम क्लियर दैट सो l प्लस b प्लस b ओके चारों साइड का सम पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है सो यदि हम इसे इंटरेस्ट 2l प्लस 2b अब देखिए पैरामीटर हम यहां से इस रूल से फाइंड कर सकते हैं यहां पर हम l की वैल्यू रखेंगे b की वैल्यू रखेंगे लेंथ कितनी है पैरामीटर की ब्रेथ कितनी है यहां पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमें पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड हो जाएगा पर इनकी वैल्यू क्या होगी चेंज होती रहेगी क्यों होती रहेगी बिकॉज एक एक रेक्टेंगल की लेंथ 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है और दूसरे रेक्टेंगल का भी पैरामीटर फाइंड करें उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है सो इस तरह से हम पैरामीटर क्या होगा चेंज होता रहेगा ठीक है सो जो वैल्यू जो लेटर्स हमने यूज किए वो क्या कहलाएंगे वेरिएबल्स के मायने ठीक है जो 2 है ये कांस्टेंट है क्लियर है तरह से ज्योमेट्रिकल में वेरिएबल्स का यूज करके आपने जनरल रूल बनाया ठीक है आप देखिए अरिथमेटिक अरिथमेटिक में स्टूडेंट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एडिशन में कि दो नंबर्स का सम उनका यदि ऑर्डर चेंज करें तो उनका सम कैसा होता है इक्वल होता है दैट मींस a प्लस b इक्वल होता है b प्लस a सो जो यहां पर जो a और b दिए हैं ये क्या है वेरिएबल है यदि यहाँ पर 2 प्लस 3 लिखें और 3 प्लस 2 लिखें तो क्या होगा आंसर सेम होगा बट हमने ये रूल कैसे बनाया है वेरिएबल्स की हेल्प से क्लियर है टुडे नेक्स्ट टॉपिक इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एनी न्यूमेरल वेरिएबल एनी न्यूमेरल न्यूमेरल मींस जो नंबर्स होते हैं वो और वेरिएबल जो अल्फाबेट हम यूज करेंगे वो ठीक है सो एनी न्यूमेरल वेरिएबल या फिर और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरल एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन और मोर सिंबल्स प्लस और माइनस इज नोन एज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है सो कॉम्बिनेशन होता है न्यूमेरल एंड वेरिएबल का न्यूमेरल एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है जो कि किससे कनेक्टेड रहते हैं कनेक्टेड बाय वन और मोर सिंबल्स प्लस और माइनस से कनेक्टेड रहते हैं सो इस तरह से एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं फॉर एग्जांपल x प्लस y 2x प्लस y 5a प्लस 6b माइनस c ये सब क्या के एग्जांपल है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल है ठीक है देखिए वेरिएबल और न्यूमेरल न्यूमेरल क्या होते हैं जो नंबर्स और वेरिएबल जो अल्फाबेट यूज करते हैं हम वो ठीक है सो यहाँ पर वेरिएबल और न्यूमेरल देखिए x के साथ कोई भी नहीं है ना तो हम यहाँ पर 1 मानते हैं सो ये वेरिएबल और ये काई से कनेक्टेड रहते हैं प्लस या माइनस से कनेक्टेड रहते हैं सो इसे कहा जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल 2x प्लस y 2 इज न्यूमेरल और x इज वेरिएबल ये करते हैं ना न्यूमेरल और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन का
मल्टीप्लाई डिवाइड ये चारों ऑपरेशन रहते हैं, सो इनसे ये कनेक्टेड रहता है। ऐसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, 5x + 6b - c दिस इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3xy ये भी एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इसमें प्लस माइनस नहीं है, इसमें वेरिएबल है और न्यूमेरल है। ठीक है, सो ये भी एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर। ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन में देखिए जो नंबर है ये कहलाता है न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर। टर्म है तो उसे पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है,
5a plus, ये plus 6b minus c, ये plus और minus b जो terms को इनको अलग अलग करता है, means classification करता है, ठीक है? So that means यहाँ पर 1, 2 and 3 terms, ओके? और यहाँ पर 3xy, इसमें कोई भी plus या minus नहीं है, so combination of numeral and variable connected by one or more symbols, plus or minus. Plus or minus से ये connected रहते हैं, so इसकी plus और से ये अलग अलग terms में हमें show हो रहे हैं. First term, second term and third term. But 3xy is one term. ठीक है? यदि 3 plus x plus y अगर इस तरह लिखा जाता है, तो ये कितनी terms होगी? Very good. Three term का expression है. एक्सप्रेशन ये कांस्टेंट है, ठीक है? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, 3 है यहां पर, सो ये कांस्टेंट है. x इज वेरिएबल, y इज वेरिएबल, क्लियर थे? सो टर्म्स को फाइंड करना सीखिए. यहां पर 1 एंड 2 टर्म है, ठीक है? 2x plus y, 1 एंड 2 टर्म है, x plus y, ये भी 2 टर्म्स, ठीक है? सो यदि 3xy है तो ये 1 टर्म, बट यदि प्लस से इनको अलग अलग कर रहे हैं तो ये 3 टर्म्स के लाएंगे. अगर नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स, ओके? यहां पर हम टू टाइप के टर्म्स पढ़ेंगे. फर्स्ट लाइक टर्म, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, ठीक है? सो लाइक टर्म्स क्या होती है और अनलाइक टर्म्स क्या होती है, सो हम देखते हैं. देखिए लाइक टर्म्स वे टर्म्स होती है जिनमें सेम लिटिल फैक्टर्स होते हैं. लिटिल फैक्टर्स वी नो दैट कि लिटिल फैक्टर्स क्या होते हैं. सो देखिए यहां पर 3x और 4y, ये दो एक्सप्रेशन हमें लिखे हुए हैं. कौन सा एक्सप्रेशन है ये? वेरी गुड, मोनोमियल एक्सप्रेशन. बिकॉज़ ये देखिए इस एक्सप्रेशन में केवल वन टर्म है और इस एक्सप्रेशन में केवल वन टर्म, ये दो अलग-अलग एक्सप्रेशन है, ठीक है? दोनों ही कैसे है? मोनोमियल एक्सप्रेशन है. यहां पर कोई भी एक्सप्रेशन दो फैक्टर्स को कंसिस्ट करता है, लिटिल फैक्टर और न्यूमेरिकल फैक्टर. न्यूमेरिकल फैक्टर जो कि नंबर्स होता है, ठीक है? और लिटिल फैक्टर जो कि वेरिएबल हम यूज करते हैं उसे कहा जाता है लिटिल फैक्टर्स. सो यहां पर जो लिटिल जो फैक्टर्स है वो सेम होते हैं तो लाइक टर्म्स कहलाती है, यदि डिफरेंट है तो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल 3x 4y, 3x 4y में 3 इज न्यूमेरिकल फैक्टर एंड x इज लिटिल फैक्टर, तो हमें क्या कंसीडर करना है? लिटिल फैक्टर को कंसीडर करना है. सो इस एक्सप्रेशन में लिटिल फैक्टर है x और इस एक्सप्रेशन में लिटिल फैक्टर है y. दोनों में लिटिल फैक्टर कैसे है? डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन है कैसे कहलाएंगे? अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे. अनलाइक टर्म्स क्यों कहलाएंगे? बिकॉज इनके लिटिल फैक्टर्स सेम नहीं है. फॉर एग्जांपल 3a माइनस 6b, ये एक्सप्रेशन मोनोमियल एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज मोनोमियल एक्सप्रेशन. दोनों में हमें किसको कंसीडर करना है? लिटरल फैक्टर को कंसीडर करना है. लिटरल फैक्टर यहां पर a है और यहां लिटरल फैक्टर कितना है? b है. तो ये भी एक्सप्रेशन कैसे है? अनलाइक टर्म्स के हैं. फॉर एग्जांपल 3a माइनस 6a, आप देखिए दोनों एक्सप्रेशन कैसे है? लाइक टर्म्स के, बिकॉज दोनों के लिटरल फैक्टर में क्या है? a. हमें इन न्यूमेरिकल फैक्टर से कोई भी नहीं देखना है, इनको नहीं देखना है, इसको कंसीडर करना है, लिटरल फैक्टर को कंसीडर करना है. यदि लिटरल फैक्टर सेम है तो लाइक टर्म्स की आएगी, यदि लिटरल फैक्टर डिफरेंट है तो अनलाइक टर्म्स की आएगी, क्लियर थे? ये जो हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पढ़ रहे हैं, ये हमें एक्सप्रेशन को ऐड करने में बहुत हेल्प हो रही है. यदि लाइक टर्म होगी तो ही हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं यदि लाइक टर्म है तो. फॉर एग्जांपल 3a माइनस 6a और फॉर एग्जांपल 3a और 3a, ये दोनों कैसे हैं? लाइक टर्म. 3a 2a, ये एग्जांपल किसका है? लाइक टर्म का, ठीक है? अब यदि हमें तो एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए कहा जाएगा तो हम यहां लिख सकते हैं 3 plus 2 5a, 3a plus 2a is equal to 5a, लिख सकते हैं. यहां पर 3a plus 3a is equal to लिख सकते हैं हम 6a, ऐड करके लिख रहे हैं हम, ठीक है? यदि लिटरल यदि लाइक टर्म है तो हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, बट यदि
प्लस फोर वाई, इस तरह से हमें लिखना होगा। क्लियर दे? सो लाइट टर्म्स क्या होती है? जिनके लिटरल फैक्टर सेम है वो लाइट टर्म्स इन लाइन, जिनके लिटरल फैक्टर डिफरेंट है वो अनलाइट टर्म्स इन लाइन। क्लियर दे? अनलाइट टर्म्स को हम ऐड सेपरेट नहीं कर सकते, लाइट टर्म्स को ही हम ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यदि अनलाइट टर्म है तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर दे स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं पावर ऑफ लिटरल्स, लिटरल्स की पावर की बात करते हैं।